الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الاثم وباطنه صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالد الناس بخلق حسن او كما قال عليه الصلاه والسلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم تو برائے بندگی ہے یاد رکھ یہ مراقبہ موت کے نام سے نظم ہے مشہور خواجہ عزیز الحسن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ کی تو برائے بندگی ہے یاد رکھ بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ سر افگندگی سر جھکانا سر جھکانے کے لیے ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے مانا مجاہد صاحب اور مطوطن صاحب خان اللہ تو بلائے بندگی ہے یاد رکھ پہر سر اب گندگی ہے یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تھوڑے منصب بھی اگر پایا تو کیا آدمی دنیا میں عہدہ پانے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے لیکن عہدہ ملنے سے کیا ہوتا ہے تھوڑے منصب بھی اگر پایا تو کیا گنج سیم و زر گنج سیم و زر سونے چاندی کا خزانہ گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا بڑا سا محل بنوا لیا تو کیا دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کرنے جو کرنا ہے آخر موت ہے مجھے جو کام کرنا ہو ایک آدمی آہستگی سے کر لیں سب لوگ متوجہ ہو جائے آواز میں گونج نہ ہو بس میں چاہتا ہوں بہت زیادہ بلند نہ ہو گونج نہ ہو بات پہنچانا ہے کوئی لہر پیدا کرنا نہیں ہے منصب بھی اگر پایا تو کیا
गंज सीमो जर भी हाथ आया तो क्या, असरे आली शाम भी बनवाया तो क्या, दबदबा भी अपना दिखलाया तो क्या, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, कैसरो इस्कंदरो जब चल बसे, बड़े बड़े बादशाह दुनिया के, कैसरो इस्कंदरो जब चल बसे, जाल और सौराब और उस्तम चल बसे, बड़े बड़े पहलवान, कैसे कैसे शेर और जैखम चल बसे, सब दिखाकर अपना दम खम चल बसे, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, फेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, पील तन हाथियों जैसे आदमी, पील तन क्या क्या पछाड़े मौत ने, सर्वपद खबरों में गाड़े मौत ने, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने होए गाफिल समल, आ न जाए दीनो ईमान में खलल, बाज आ हाँ बाज आ ए बद अमल, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, सांस है एक रह रवे मुल्के आदम, दफातन एक रोज ये जाए रथम, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन, अपना गफलत में गवाना एक दिन, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, आखिरत की फिक्र करनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर, उम्र ये एक दिन गुजरनी है जरूर, कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, आने वाली किससे टाली जाएगी, जान खेली जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझको एक दिन खाक डाली जाएगी, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, जोर ये तेरा ना बल काम आएगा और न ये तूले अमल काम आएगा, कुछ ना हंगामे अजल काम आएगा, हाँ मगर अच्छा अमल काम आएगा, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, बहर गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, बहर गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, रात गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, जाए ऐशो इशरतो मस्ती नहीं, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, अल्लाह ताला हम सब के मेहरबान रब हैं, अल्लाह ने हमें जो दुनिया में भेजा है उसका मकसद भी हमें सबको बताया गया है, ये बात मुसलमानों को कम से कम मुसलमानों को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में जो आए हैं वो मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आए हैं। आप देखें अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनको हुक्म दिया जन्नत में रहने का, और जब वहां गलती हो गई तो वहां से जमीन में उतरने का हुक्म दिया। अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं उलमा इस पर खास तौर से गौर फरमाएंगे, वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, हमने ये कहा ए आदम
आप और आपकी बीवी जन्नत में रहिए, इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो उस्कुन सुकूनत का, और सुकूनत कहा जाता है मुस्तकीम रहने को। आपसे कोई पूछता है आप कहाँ के साकिन हैं, कहाँ के बाशिंदे हैं, तो वो अरबी जबान में सुकून का लफ्ज उसके लिए सुकूनत का लफ्ज आता है रहना, यानी हमारे हिंदुस्तान की इस तरह कहेंगे मूल निवासी, कहाँ के हैं मुस्तकिल बाशिंदे कहाँ के हैं। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में रहने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, रहो यानी मुस्तकिल रहना है। और जब दुनिया में भेजा तो फरमाने वाला कौन फैला तो मुस्तकर व मताउ इला हिन, जमीन में रहने का ठिकाना और परतने का सामान है कुछ दिनों के लिए, एक मुद्दत के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रहने की असल जगह जन्नत है और दुनिया में भेजा गया है कुछ वक्त के लिए। अब अगर दुनिया में आने के बाद कोई आदमी दुनिया की जिंदगी को ऐसा ही समझने लगे जैसे यहाँ मुस्तकिल रहना है, तो आप गौर करें क्या हाल होगा उसका और कितना बड़ा नुकसान वो अपना करेगा। हजरत ने किसी किताब में एक हदीस नकल की हमारे हजरत ने कि पहले पैगंबरों में से किसी पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास एक बुढ़िया आई और उसने आकर ये कहा कि दुआ कर दीजिए मेरे बच्चों की उम्रें कम होती हैं, उम्र में बरकत की दुआ कर दें। उन्होंने पूछा कि कितनी होती है तुम्हारे बच्चों की उम्रें, कहने लगी कोई 100 साल का मर जाता है, कोई 90 साल में मर जाता है, कोई 80 साल में मर जाता है। उस जमाने में इससे ज्यादा उम्रें होती थी तो उस बुढ़िया को यह उम्र कम लग रही थी। हजरत ने फरमाया उन पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हें ये उम्र कम लग रही है, आखिर जमाने में एक उम्मत ऐसी आएगी जिनकी सारी उम्र ही 60 से 70 के दरमियान हो। इस उम्मत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता रखा है, इस उम्मत की उम्र का जो एवरेज है औसत है वो यही है, आमार उम्मती मा बैन सिद्दीन इला सबईन, मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 के बीच है। वकल्ला मैं यदूरू दादिक, और इससे आगे बढ़ने वाले कम है। इतना बड़ा मजमा यहाँ बैठा है, 70 से ऊपर के लोग गिने जा सकते हैं और 100 तक पहुंचने वाले तो शाजो नादिरी होते हैं। तो जब उन्होंने ये फरमाया तो वो बुढ़िया कहने लगे क्या वाकई कोई उम्मत ऐसी आएगी जिनकी सारी उम्र ही 60-70 हुआ करेगी। फरमाया कि हाँ आखिरी उम्मत ऐसी होगी। तो वो कहने लगी, उसने एक सवाल किया कि क्या वो लोग रहने के लिए घर भी बनाया करेंगे, इतनी उम्र तो आदमी किसी पेड़ के नीचे भी गुजार सकता है। अब आप अंदाजा करें कि हमारा क्या हाल होना चाहिए। घर बनाने की पाबंदी तो नहीं है, घर तो बनाया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, इसलिए कि उसका ताल्लुक बंदों के हक से है। मेरा ख्याल ये है कि घर बनाने की जो असल वजह है वो ये है कि घर बीवी का हक है और बच्चों का हक है, तो शौहर की मर्द की ये जिम्मेदारी है कि घर वालों को रिहाइश दे, ये बंदों का हक है इसलिए अदा करना है, वरना बाकी ना बनाया जाता मकान। तो ऐसी दुनिया में जहाँ कम रहना है और जहाँ से जाने की कोई खबर नहीं है कब जाना है, हम पूछते हैं लोगों से, बार बार ऐसा होता है कि हम बात करते हैं कि भाई अपने आप को बदलना है, कब बदलना है, मरने से पहले तो बदलना ही पड़ेगा। हर आदमी मानता है कि हाँ मरने से पहले तो अपने आप को ठीक करना ही पड़ेगा। तो आप पूछते हैं मरने का प्रोग्राम कब है, तो लोग हंसते हैं। हालांकि सवाल ठीक है अपनी जगह, भाई जैसी जिंदगी गुजार रहे हो तो तुम तो हर चीज का प्रोग्राम बनाते हो ना, अब बताओ मरने के बारे में क्या प्रोग्राम है। जवाब यह है कि मरने का प्रोग्राम हमारे कब्जे में नहीं है,
जिसके कब्जे में है उसने बताया भी नहीं, जाहिर भी नहीं किया, राज है। मरने से पहले तक पता नहीं चलता कि आदमी मर जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है मरने की हालत हो जाती है, जिंदा रह जाता है, और कभी ठीक ठाक आदमी मर जाता है। कौन आदमी हमने से जो ये कह सकता है कि मैं अभी यहां बैठा हूं मैं जिंदा वापस जाऊंगा, कोई दावा नहीं कर सकता। तो ये सारी बात कहने का मकसद कोई नई बात नहीं है, हर आदमी जानता है, मगर हम भूल जाते हैं। ये याद दिलाने का मकसद ये है कि हमें अपनी जिंदगी पर नजर डालनी है, क्या हमारी जिंदगी ऐसी गुजर रही है कि हम अल्लाह ताला के यहाँ जाकर वो जो हमारी असल रहने की जगह है जन्नत, सीधे सीधे वहां पहुंचा दिए जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी सफर पर जाएं और वहां रहने का शानदार इंतजाम हो, मगर ये ऐलान हो कि जो आदमी ये कागज लेकर आएगा उसको उस होटल में रहने की जगह मिलेगी और जो ये कागज नहीं लाएगा उसे नहीं मिलेगी, तो अब क्या होगा? हर आदमी ये कोशिश करेगा कि वो पेपर को लेकर जाए। मसलन अगर ये ऐलान कर दें कोई कोरोना की वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा उसके बगैर होटल में जगह नहीं मिलेगी, तो आदमी ले जाता है मरवाकर, इसलिए उसके बगैर रहने का मौका नहीं मिलेगा। जन्नत में जाना हम सब की तमन्ना है, अल्लाह ये सारा तमन्ना हम सब की पूरी कर दे। इसलिए भी तमन्ना है कि जन्नत रहने की जगह है, और इसलिए भी तमन्ना है कि जहन्नम में रहने की हिम्मत नहीं है। कौन हिम्मत कर सकता है? हम हमारी कमजोरी का तो ये आलम है कि हमसे दुनिया के अंदर जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। मैं सुनाया करता हूँ बहुत सी मरतबा कि चंद साल पहले जो अमेरिका का एक साइंसदान दुनिया से गुजरा था, स्टीफन हॉकिंग, अभी दो चार साल पहले इंतकाल हुआ है ना, लड़कों को पता होगा, कॉलेज वालों को, बहुत बड़ा साइंसदान माना गया। उसके इंतकाल पर, मैं तो नहीं जानता था उसको, इंतकाल पर जो अखबार में खबरें आई और उस पर मजामीन आए तो वो मैंने पढ़े। उसमें लिखा था, वो आप जानते ही होंगे कि वो एथिस्ट था, मुल्हिद था, खुदा को नहीं मानता था, मजहब को नहीं मानता था, मगर उसने लिखा था, उसके बारे में हालात में आया कि उसने जो रिसर्च पेपर शायद किया था अपना, उसमें ये बात लिखी थी कि मैंने जितना दुनिया का मुताला किया जमीन का और दुनिया में रहने वाले तमाम जानदारों का, इंसानों का और दूसरे जानवरों का, तो मेरी समझ में ये आता है ये जो इंसान है ये यहाँ का रहने वाला नहीं है। इंसान इस जमीन का रहने वाला नहीं है, और उसकी वजह ये है कि इंसान के अलावा जितने जानदार हैं उन सबको जमीन का मौसम और जमीन की गिजाएं शुरू करती है। सारे जानदार जमीन में ऐसे ही रहते हैं, धूप से बचने का इंतजाम, सर्दी से बचने का इंतजाम, गर्मी से बचने का इंतजाम कोई नहीं करता, कपड़े कोई नहीं बनाता। आपने कभी कपड़े की दुकान पे किसी बैल को नहीं देखा, बैल को नहीं देखा कि हमारे कपड़े दे दो। कोई जानदार मौसम से बचने का कोई इंतजाम इस तरह का नहीं करता। कुछ जानदार है जो घर बनाते हैं छोटे मोटे, वो घोंसले वगैरह, वरना वो भी बेचारे इसलिए कि वो कमजोर है तो वो आंधी से हवा से बार उससे जाए ना हो जाए, हलाक ना हो जाए। वरना बड़े जानवरों को आप देखें तो कोई कपड़े नहीं पहनता, कोई सर्दी का इंतजाम, गर्मी कुछ नहीं करता। लेकिन इंसान का मामला ये है कि अगर सर्दी हो तो इसे गर्म कपड़े चाहिए, सर्दी से बचने का इंतजाम चाहिए, और अगर गर्मी हो तो गर्मी से बचने के लिए ठंडक चाहिए। ये दुनिया के किसी मौसम के साथ अपने जिस्म को मिलाकर नहीं चल पाता, यहाँ तक कि धूप में नहीं रह सकता, धूप में रहेगा तो खाल खराब हो जाएगी, तो कोई मौसम इसको माफ़ नहीं आता। और जहाँ तक गिजाओं की बात है तो जमीन के अंदर पाए जाने वाले जितने जानवर हैं जैसे पैदा होती है गिजा वैसे खाते हैं,
पत्ते खाने वाले हैं तो पत्तों को पकाते नहीं है, काटते नहीं है, उबालते नहीं है, मसाला नहीं डालते हैं, वैसे ही खा लेते हैं सीधे सीधे। गोश्त खाने वाले जानवर हैं तो वो भी गोश्त को ऐसे ही खा लेते हैं, कुछ नहीं करते उसका। इंसान अगर गोश्त खाता है तो, और सब्जी खाता है तो, और अनाज खाता है तो, जो भी खाता है उसको अपने मिजाज के मुताबिक बनाकर खाता है। मसाला डालेगा, तेल डालेगा, घी डालेगा और नमक डालेगा, पकाएगा, गलाएगा उसको, फिर खाएगा। तो इस ये अजीब है, इसको जमीन की ना कोई रिजा सूट करती है सीधे सीधे और ना कोई मौसम। बाकी जितने जानदार हैं उन सब को ये मालूम आता है। इससे उसने नतीजा निकाला, आप सोचे जरा, वो मुर्शिद है, जिस है वही कहता है कि मैंने ये समझा कि इंसान इस जमीन का असल रहने वाला नहीं है, ये कहीं और रहता था। हो सकता है ऐसा हुआ हो कि वहां इससे कोई गलती हुई हो और वहां कोई ताकत हो जिसने इसको वहां से उठा के यहाँ फेंक दिया हो। वो जो खुदा को नहीं मानता, वो जो मजहब को नहीं मानता, वो ये कहता है। अब देखें आप, हमारे यहाँ पहले से मौजूद है। जब उसका ये मामला, ये तहकीक मैंने पढ़ी तो मुझे कुरान करीम की आयत फौरन याद आई कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी नेमतें गिनाते हुए फरमाया था, जन्नत के बारे में बताया था, इन्ना लका अल्ला तजुआ फीहा वला तहरा वअन्नका ला तज़ा फीहा वला तज़हा। जन्नत में आपको ये नेमत हासिल है कि ना यहाँ भूख का मसला है, ना धूप का मसला है, लिबास का मसला है, ना प्यास का मसला है। भूख, प्यास, धूप, लिबास, इन सारे मसलों से आप बेनियाज हैं। कोई कह रहा है कि दुनिया के अंदर ये सारे मसले खड़े हैं इंसान के लिए और जन्नत के अंदर ये सारे मसले हल थे पहले से, ये अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा था। इससे मालूम होता है कि इस इंसान का असल वतन ही जन्नत है, असल रहने की जगह ही जन्नत है। इसीलिए हकीम उल उम्मत हजरत अल-बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा लिखा है जिसका नाम है शौक़े वतन, या वतन से मुराद जन्नत है। तो अब आप सोचें कि दुनिया के अंदर जो आरजी वतन है उसमें जाने का शौक आदमी को होता है। जब आप घर से निकलते हैं तो दिन गिनते रहते हैं कि वापस जाने का कितना वक्त रह गया। ये वाकया है मेरे जैसे आदमी से, आप सोचें जो सफर करता है, मैं रात आया हूँ और सुबह से कई बार ख्याल कर चुका हूँ कि कल शाम तक, रात तक मैं घर पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। ये होता है दुनिया का सबसे शानदार, सबसे मजेदार सफर हरमैन का होता है, मगर वहां जाकर भी घर जाने का हिसाब लगाते रहते हैं। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हज के बाद बता दिया करते थे लोगों को, हिजाब में डर जाओ, मक्के में रहकर, मदीने में रहकर अपने घर को याद करो, ये अच्छा नहीं है। ये फितरी बात है इंसान की, तो ये इंसान का मिजाज है। अब सवाल ये है कि जो बिल्कुल असली वतन है जन्नत, उसमें जाने का क्यों नहीं शौक होगा इंसान को? तो हम सबको ये शौक है और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हमारा मालिक हमें जन्नत अता करे। लेकिन उसने हमें दुनिया में भेजा है तो खामखा तो नहीं भेजा है, ऐसा तो नहीं है कि जन्नत में कुछ कमी थी, अल्लाह ताला ने सोचा कि चलो इनको कुछ दिन वहां भेज दो, फिर क्या तैयारी कर लें, फिर बुला लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया लियब्लुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें इसलिए भेजा है कि तुम्हें देखना है, आजमाना है। तुम्हें अगर वही जन्नत में रखना होता तो हम रख सकते थे, मगर तुम्हें इसलिए भेज रहे हैं कि अब तुम्हें ये बताना पड़ेगा अपने अमल से कि तुम जन्नत में रहने के लायक हो या नहीं हो। बात यह है कि जन्नत को हमने पाक जगह बनाया है, जन्नत पाकी की जगह है, जन्नत साफ जगह है, जन्नत इज्जत की जगह है, जन्नत खुशबू की जगह है। ऐसी जगह नापाक आदमी नहीं आ सकता, गंदा आदमी नहीं आ सकता। अगर खुदा ना खास्ता तुम दुनिया से अपने साथ गुनाहों की गंदगी लेकर आओगे, साफ करके नहीं आओगे, तो फिर हम जन्नत में तो तुम्हें भेजना चाहते हैं तुम अगर ईमान वाले हो,
मगर जाहिर है हम अपनी जन्नत को गंदा भी नहीं कर सकते, लिहाजा तुम्हें पहले साफ करेंगे फिर जन्नत में भेजेंगे। अब वो जो सफाई की जगह है उसे आप जानते हैं, उसका नाम जहन्नम है। वहां जाने की किसकी हिम्मत है? ये अल्लाह का कानून है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई चलती मिट्टी बात नहीं है, तो कुरान हदीस भरा पड़ा है इससे। तो हम सबको ये बात जहन में लानी चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग अमल के नंबर में आकर ये सोच लेते हैं कि अल्लाह ताला माफ कर देंगे, अमल के मौके पर ये नहीं सोचना है, वरना फिर अल्लाह के कानून का फायदा क्या है? अमल के वक्त तो ये सोचना है कि अल्लाह ताला ने कानून बनाया है कि ये गुनाह करोगे तो ये सजा मिलेगी, ये गुनाह करोगे तो ये सजा मिलेगी। वो मिलेगी अल्लाह की तरफ से, मुकर्रर है। गलती होने के बाद तौबा के नंबर में ये सोचना है कि अल्लाह ताला माफ कर दे, करने से पहले नहीं सोचना है। करने से पहले अगर सोच रहे हो इसका मतलब है कि शैतनत है, सरकशी है, ये बंदगी नहीं है। बंदगी ये है कि पहले से ये सोच कर चलो कि मुझे ठीक चलना है, मुझे अल्लाह की नाफरमानी से बचना है। उसके बाद अगर गलती हो जाए फिर अल्लाह से माफी मांगने के वक्त में यकीन करो कि अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं। हमारे यहाँ मामला उल्टा हुआ है, बिल्कुल उलट गया है, बिल्कुल यकीन आए समझ में आएगी बात। अमल के नंबर में तो ये सोचते हैं कि मैं कर लो देखा जाएगा, अल्लाह का फूल रही में करते हैं ना ये बात। और तौबा के वक्त में ये कहते हैं कि हमारी तौबा कहाँ कबूल होगी, हम तो बहुत बड़े गुनाहगार हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, बिल्कुल उल्टा है मामला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तौबा कबूल करने का अल्लाह का वादा है और तुम्हें यकीन नहीं है तौबा कबूल होने का। और अल्लाह फरमाते हैं कि ये गुनाह करोगे तो ये सजा मिलेगी, उसका तुम्हें यकीन नहीं है करने के वक्त में, तो मसला कैसे हल होगा? ये तो सारे यकीन की गड़बड़ का मामला है, हमें ठीक करना पड़ेगा अपने आप। ये चाहता है कि ऐसे मौके पर तो चीजें सुना दी जाए। हकीम उल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला जज़ाउल आमाल, वैसे तो अलमा ने हमेशा इन मौजूआत पर बहुत लिखा है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी उम्दा किताब है अद्दारु वद्दवा, बीमारी और इलाज, उसका उर्दू में भी तर्जमा मिलता है और उलमा तो अरबी में पढ़ सकते हैं। तो उसमें यही मौजू है, गुनाह और उनके नुकसान। इसी तरह मुहद्दिसीन ने बहुत से हज़ारते जमा किए हैं, कबीरा गुनाह अल्लामा ज़ाहिदी का रिसाला है अल-कबाइर के नाम से। हमारे हजरत की उर्दू में कई किताबें हैं, गुनाह से कैसे बचें, मोहलिक रूहानी अमराज और इस तरह की, और उलमा की भी उर्दू में बहुत सी किताबें हैं। हजरत अक़दस हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ये जो रिसाला है जज़ाउल आमाल, इसके दो तीन मजामीन में चाहता हूँ के सुना दो। एक बात अच्छी तरह समझें कि गुनाह की असल सजा आखिरत में है और नेकी का असल सवाब आखिरत में है। इंसान दुनिया में जो अच्छा अमल करेगा सवाब आखिरत में मिलेगा, जो बुरा अमल करेगा उसकी सजा आखिरत में मिलेगी, ये असल है कानून। लेकिन अल्लाह ताला अजीब और करीब रहमत वाले हैं, उन्होंने अपनी रहमत से एक काम और कर रखा है कि गुनाहों की थोड़ी बहुत सजा या थोड़ा बहुत नुकसान दुनिया में भी दिखा देते हैं ताकि बंदा रुक सके। अगर सारा छुपा रहता तो बंदा बिल्कुल ही ना मानता, और अच्छाई और नेकी का कुछ ना कुछ फायदा दुनिया में आता फरमा देते हैं ताकि आदमी को रग़बत हो जाए। तो हम लोगों की कमजोरी के एतबार से ये मामला है, असल जजा आखिरत में है मगर दुनिया में कुछ ना कुछ दिखाते हैं, उसका छोटा सा नमूना या खुलासा देखें। हजरत फरमाते हैं कि दुनिया में गुनाह करने का जो नुकसान है, आप गौर करें, मुसलमानों को तो कम से कम मालूम होना ही चाहिए। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि कुरान करीम में जो मैं अल्फाज बदल कर आसान अल्फाज में बोलता रहूँगा, कुरान मजीद में जो नाफरमानों के जगह जगह किस्से बयान किए गए हैं और उनकी सजाएं बयान की गई हैं, कौन नहीं जानता वो क्या सबब है उसका, कौन नहीं जानता कि वो क्या चीज़ है
जिसने शैतान इबलीस को अल्लाह ताला के मुकर्रम बंदे के दर्जे से हटाकर बिल्कुल मर्दूद बना दिया। क्या चीज है वो? नाफरमानी अल्लाह की। और क्या है? अल्लाह की नाफरमानी ने अल्लाह के मुकर्रम तरीन बंदे के मकाम से हटाकर बदतरीन बना दिया। वो क्या चीज है जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तमाम अहले जमीन को तूफान में डबो दिया? वो क्या चीज है जिसकी वजह से तेज हवा आंधी कौम आद पर मुसल्लत की गई, यहाँ तक के जमीन पर पटक पटक के मारे गए? वो क्या चीज है जिसकी वजह से कौम समूर पर सख्त किस्म की आवाज चीख आई और उसकी वजह से उनके कलेजे फट गए? और वो क्या चीज है जिसकी वजह से हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बस्तियां, उनकी कौम की बस्तियां आसमान तक ले जाकर पलट दी गई और सब उसके अंदर तबाह हो गए और ऊपर से पत्थरों की बारिश भी हुई? वो क्या चीज है जिसकी वजह से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अबर की शक्ल में अजाब आया, बादल जैसा आया, वो समझे कि बारिश बरसेगी, उसमें से आग बरसने लगी? वो क्या चीज है जिसने कारून को जमीन में धसा दिया? वो क्या चीज है जिसकी वजह से फिरौन को और उसकी कौम को दरिया में डबो दिया गया? वो क्या चीज है जिसकी वजह से बनी इसराइल पर दोबरतबा अजाब नाजिल हुए? फरमाते हैं फकत एक चीज है, अल्लाह की नाफरमानी। वो सिर्फ अल्लाह की नाफरमानी है, गुनाह है, अल्लाह के अहकाम को तोड़ना है, जिसकी वजह से दुनिया में सारे अजाब आए। और बारी ताला ने यह भी फरमा दिया, वमा कान अल्लाह लियज़लिमहुम वलाकिन कानु अन्फुसहुम यज़लिमून। ज़ुल्म अल्लाह ने नहीं किया, खुद अपने ऊपर अपने आप में ज़ुल्म किया। एक अजीब छोटी सी हदीस इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की नकल की है, इमाम अहमद ने नकल की है, हजरत ने उसको वहां से लिया है। फरमाते हैं कि एक इलाका अवरस कहलाता है, वो मुसलमानों ने फतह किया। और जाहिर जब कोई इलाका फतह होता है तो खुशी का मौका होता है। ऐसे मौके पर एक साहिब है हजरत जुबैर इब्ने नुफैल, उन्होंने देखा मशहूर सहाबी हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हजरत ये रोने का क्या मौका है, ये तो बहुत खुशी का मौका है, हमें अल्लाह ने फतह की है, एक इलाका हमारे कब्जे में आया है। तो हजरत ने फरमाया कि तुम नहीं समझते, बात यह है कि जब कोई कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी करती है तो वो अल्लाह की नजर में जलील हो जाती है। ये कौम कल तक हाकिम थी, आज अल्लाह ने इनको हमारा महकूम करा दिया। अल्लाह की नाफरमानी का कितना बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ा, इस पर हो रहा। आप सोचे जरा मुसलमान किन हालात से गुजर रहे हैं इस जमाने में, वो क्या चीज है आखिर अल्लाह की नाफरमानी के अलावा जिसने मुसलमानों को इस मकाम पर पहुंचा रखा है। हदीस में आता है, इन रजुला लयुहरमु रिज़्क़ा बिज़्ज़म्बि युसीफ़ुहु, आदमी गुनाह करता है तो उसकी वजह से उसके रिस्क में कमी आती है। एक हदीस नकल करते हैं इब्ने माजा में, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पांच चीजें हैं, मैं खुदा की पनाह चाहता हूँ कि तुम उनको पाओ। क्या फरमाया? जब किसी कौम में बेहयाई के काम खुल्लम खुल्ला होने लगे तो वो ताऊन में और ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला होंगे जो उनके बड़ों के वक्त में नहीं हुई। समझाना पड़ेगा इस मजमून को, सोचे जरा। हमने तो सबने मुशाहिदा कर लिया। और जब कोई कौम नापने तोलने में कमी करती है तो वो कहत में और तंगी में और हाकिमों के जुल्म में मुब्तला होती है। सारी दुनिया में चीख पुकार मची है कि इंसाफ नहीं हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है। कभी सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है? सबके दिल तो अल्लाह के हाथ में है। अपने मुल्क पर गौर कर ले, हमें शिकायतें हैं और दूसरों को भी है, हमारे भाइयों को भी है, लेकिन हुजूर ये फरमा रहे हैं कि नाप तोल में कमी करोगे तो ऐसे ही हाकिम बिठाए जाएंगे जो जुल्म करेंगे, ये उसकी सजा होगी। अपना काम ठीक कर लो, मामला ठीक हो जाएगा। और फरमाया कि जो लोग जकात रोकते हैं,
जकात नहीं देते, उन पर अल्लाह ताला बारिश बंद कर देते हैं। अगर जानवर ना हो तो पानी का एक कतरा ना बरसे। और फरमाया जो लोग अहद तोड़ते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, अहद शिकनी करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके ऊपर उनके दुश्मनों को मुसल्लत कर देते हैं जो उनके माल छीन लेते हैं। सारा लिखा है, जो आ रहा है सामने वो पहले से हमारे यहाँ लिखा हुआ मौजूद है। आप सोचे जरा, एक रिवायत है इब्न अबी दुनिया की, किसी शख्स ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, जलजला क्यों आता है? जलजला साइंस का बयान करेंगे, जमीन की प्लेटों में ये होता है वो होता है, लेकिन जाहिर है कि सब कुछ तो अल्लाह के हुक्म से होता है, क्यों आता है जलजला? और ये बात आपको मालूम होगी, आजकल जलजले बहुत आते हैं, शायद ही दुनिया में तो कोई दिन खाली नहीं जाता। दुनिया में कहीं ना कहीं जलजला रोजाना आता ही आता है। फरमाती हैं हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे पूछा जलजला क्यों आता है, तो हजरत सिद्दीका ने फरमाया कि जब लोग बदकारी, जिना, जायज काम की तरह करने लगते हैं, सोचें यहीं रुककर क्या इस जमाने में बिल्कुल ये लफ्ज पूरा साजिश नहीं आ रहा है, जायज काम, मैं इसको समझा कर कहना चाहता हूँ, जायज काम क्या है? शौहर बीवी का ताल्लुक, शौहर बीवी के ताल्लुक में कोई डर नहीं होता, बल्कि अच्छा होता है भाई। सबको मालूम है कि इस कमरे में जो आदमी है वो एक मर्द और एक औरत, वो शौहर बीवी है, घर वालों को मालूम है, सब खुश है, बहुत अच्छी बात है, शौहर बीवी साथ रह रहे हैं, कोई तकल्लुफ नहीं, कोई डर नहीं, किसी मलामत का डर नहीं, और किसी पकड़ का डर नहीं, किसी बदनामी का डर नहीं, कुछ भी नहीं है ना। क्या इस जमाने में बहुत सारी जगहों पर लोगों को पता नहीं होगा कि इस कमरे में जो बंद है वो मर्द औरत अलग अलग अजनबी हैं, बदकारी कर रहे हैं और उन्हें कोई डर नहीं होता? होटलों में ये नहीं होता क्या? दुनिया में बहुत सारी जगहों पर ये नहीं होता क्या? इस जमाने में सोचे, ये जरूरी नहीं है कि हम और आप करें, दुनिया में तो हो रहा है और हमारे ही लोग कर रहे हैं, हमारे दरमियान के लोग कर रहे हैं। सोचने की बात है, डरने की बात है। हजरत आयशा फरमाती है जब जिना को जायज काम की तरह करने लगे, यानी बेबाकी के साथ, और शराबें पीने लगे, शराब की बात आती है तो और ज्यादा सर शर्म से झुकता है, इसलिए कि इस हिंदुस्तान में मैं बहुत मामूली सा आदमी, थोड़ी जगहों पर गया हूँ, जहाँ जाता हूँ, मगर हिंदुस्तान के हर इलाके में, हर कोने में जाना होता है, जहाँ जाता हूँ नशे की शिकायत, तीन चार बीमारियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल आम हैं। मैं आपके यहाँ पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे इसी बात का डर है कि आप मुझे सच्चा कहेंगे, काश मैं झूठा हो जाऊं यहाँ के लिए। कम से कम तीन चार गुना ऐसे हैं जो हर जगह मिलते हैं, जिसमें से एक तो नशा है, अल्लाह करे आपके यहाँ ना हो। मुसलमानों के बच्चे नशा करते हैं, और मालूम है आपको, हिंदुओं से ज्यादा करते हैं, ये सच्चाई है। यानी आबादी के एतबार से मुसलमानों में नशा ज्यादा है। एक सूदी कर्जा आपके यहां तो नहीं, कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां ये कहें कि नहीं है। छोटे छोटे कस्बे मुसलमानों के मैं जानता हूं, अपने इलाके में भी जानता हूं, यूपी के मगरबी इलाके में, दिल्ली के इलाकों में, मेवात के इलाकों में, और उसके बाद गुजरात में और महाराष्ट्र में और आसाम में और बंगाल में और बिहार में और तमिलनाडु में और कर्नाटक में और आगरा में, आगरा में हम बैठे हैं, इधर गौर समंदर की तरफ चले जाए, जहां जहां भी जाएंगे कोई जगह जनाब ऐसी नहीं बची है जहां मुसलमान सूदी कर्जे में फंसे हुए ना हो। और उसके नतीजे में क्या क्या हो रहा है उसको बात करने का मौका मुझे नहीं। और एक ये चीज थी, नशा और सूदी कर्जा, और एक कार्य खैर हो होता है आजकल, मुखबिरी अपने भाइयों के खिलाफ, अल्लाह करे यहाँ ना होती हो।
मगर जहाँ भी जाते हैं ये भी होता है, इसको हम बहुत ज्यादा खोलकर नहीं कहते, लेकिन ये भी तो एक अजीब बात है कि आप जाति दुश्मनियों का खमियाजा इस तरह किसी कोर्ट से निकालें कि उसको बड़े से बड़े नुकसान में मुबतला करते हैं, जो मुसलमान करते हैं। जाति झगड़ा होता है और उसको इस तरह पेश करते हैं कि अगर आदमी फंस ही जाए किसी तरीके से, लोग भी करते हैं, मर्द भी करते हैं, औरतें भी करते हैं। जुआ और सट्टा, मुसलमानों के बच्चे खूब खेलते हैं, यानी हलाल खाने, हलाल कमाने और हलाल जगह खर्च करने के बारे में जो इस्लाम की तालीमात है वो सब पर से पुल डाल रखिए, और फिर शिकायत करते हैं कि बरकत नहीं होती, अजीब बात है, और फिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान होने के बाद मुंह में नशा जाए, मुसलमान होने के बाद हराम का लुकमा जानबूझ कर पेट में जाए, इसका मतलब क्या है? और फिर तुम किस मुंह से कहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी? ये तो जरूरी है, दुआएं कबूल होने के लिए तो लाजिम है कि हलाल खाना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा, जबान को पाक करना पड़ेगा, बदन को पाक करना पड़ेगा, तो दुआएं कबूल होंगी, वरना नहीं होने वाली। हमारे हजरत सुनाया करते हैं बहुत बड़े बुजुर्ग का कौल, बाबू अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का, वो फरमाते थे कि जो आदमी जानबूझकर, नहीं अल्फाज जो है उनके वो ये हैं कि जो बंदा अपने इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है अल्लाह ताला उसकी दुआएं रद्द करना छोड़ देते हैं। भाई तुम अल्लाह की नाफरमानी छोड़ो, अल्लाह ताला तुम्हारी बात पूरी करना शुरू कर देगी, जो कहोगे वही होता रहेगा, दुआएं कबूल होती रहेगी। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया जब लोग जिना जायज काम की तरह बेबाकी से करने लगे और शराबें पीने लगे और बाजे बजाने लगे, बाजा बजाना, मैं ये जो कह रहा था ना तीन चार बातें हिंदुस्तान भर में हर जगह उसमें किए है, हमारी शादियों में डीजे बजेंगे और शादियां नवाबी शान से होंगी, हर आदमी को अपना स्टेटस दिखाने का एक ही मौका है और वह है बच्चों की शादी। सुभान अल्लाह, यानी अजीब बात है कि मेहनत करके पैसा कमाए और दुनिया वालों को दिखाने के लिए आगे लगा दे और दुनिया वालों में से कोई अल्लाह के फजल से तारीफ भी नहीं करता, कोई भी तारीफ करता। हमने जिन शादियों को अच्छा बनाकर कोशिश की कि सादगी से हो जाएं, जो जना सादगी से शादी हुई वहां सब ने तारीफ की, आप कितना मुकाबला करेंगे दुनिया का? शान दिखाने के लिए आप 1 करोड़ भी खर्च कर लें, 10 करोड़ खर्च कर लें, हमें मालूम है 10 करोड़ तक की शादियां भी हो चुकी है दुनिया में, क्या हुआ है और क्या नतीजा निकला है? और हमें मालूम है शादी से सादी शादियां, मुझे याद आ गया तो सुन लीजिए, हमने अपने हजरत से सुना था कि पाकिस्तान में एक बुजुर्ग थे कारी रहीम पक्ष साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े कारी थे, बुर्रा हजरात जानते होंगे उनका नाम। उन्होंने अपनी बेटी का निकाह कारी साहब से कर रखा था, रुखसती नहीं हुई थी, निकाह हो गया था, अचानक हज का प्रोग्राम बन गया, किसी ने कहा कि आप और अहलिया हज को चले जाए, तो कारी साहब ने सोचा घर में बेटी अकेली है और हम दोनों हज को चले जाएं तो बेटी को कहाँ रखें, तो ये जहन में आया कि ऐसा करो निकाह तो हो ही गया है रुखसती कर दो। तो उन्होंने अपने दामाद को खत लिखा, वो दामाद भी कारी साहब थे और एक मदरसे में पढ़ाते थे, उनको खत लिखा कि फला तारीख को हम हज को जा रहे हैं और हमारा ख्याल ये है कि तुम्हारी बीवी की रुखसती कर दे, तो हम फना रेल से आएंगे, कराची पहुंचेंगे, रास्ते में तुम्हारा स्टेशन पड़ेगा तो तुम स्टेशन पे आके अपनी बीवी को ले जाना। चुनाचे हजरत ने बताया कि वो आए कारी साहब और बीवी को अपनी स्टेशन से ले गए, इस सादगी के साथ निकाह और रुखसती हो गई, और उसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसी बरकतें अता फरमाई कि दुनिया और दीन की बेशुमार बरकतें पूरे घराने पर नाजिल हो रही है। ये हमें हजरत ने सुनाया था। उसके बाद ये हुआ कि मलेशिया में पता चला कि कारी यासीन साहब आए हैं जो कारी रहीम पक्ष साहब के दामाद हैं, बल्कि पहले पता चला उनके नवासे आए हैं, तो वो नवासे हमसे मिलने आ गए वहाँ पर। तो
तो मैंने उनसे कहा कि भाई हजरत ने हमें बताया था ये वाकया, तो क्या ये वाकया तुम्हारी वालदा ही का है? उसने कहा जी मेरी वालदा का है। और अगले साल उसके वालिद भी आ गए, वो कारी साहब, कारी यासीन साहब, जो कारी रहीम अब साहब के दामाद। तो माशाल्लाह अल्लाह ने ऐसी शान अदा कर रखी है कि शायद दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कई सौ कुरान की तालीम और तजवीद के इदारे उनकी निगरानी में चल रहे हैं और उनके दस्तखत से सनद जारी होती है। सब कुछ दे रखा है अल्लाह ने। और उनके बेटे ने यह भी बताया था कि मेरे वालिद साहब स्टेशन से जो वालदा को लेकर गए थे तो साइकिल पर बिठा के लेकर गए, उनके पास सवारी भी नहीं थी। ये आलम सादा शादी का इतना शानदार नतीजा निकलता है। खैर ये मुस्तकिल एक ऐसा मौजू है जिस पर बात होनी चाहिए। सही बात यह है कि आदमी के दिल में अगर आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए तो ये सारे धंधे ठीक हो जाते हैं, सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। बहरहाल हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बहुत सारे नुकसान गुनाहों के बयान किए, लेकिन बहुत देर हो गई है गुनाहों की बात करते करते, तो एक अगला उनवान है वो थोड़ा सा मैं सुनाना चाहता हूँ। उसका खुलासा ये है कि दुनिया में अल्लाह ताला नेक कामों के करने से फायदा भी पहुँचाते हैं। उसका कुछ नमूना सुन लें। हजरत ने फरमाया ताअत से यानी अल्लाह की फरमा बरदारी से रिज़्क बढ़ता है। कुरान की आयत से साबित है, मैं आयतों की पूरी तफसीर और तर्जमा नहीं करूँगा, ताकि वक्त मुख्तसर वक्त में काम हो जाए, लेकिन उलमा की वजह से इशारा आयत का जरूर करूँगा। फरमाया वलौ अन्नहु अकामु तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िल इलैहिम रब्बिहिम लअकलु मिन फौकिहिम वमिन तहति अर्जुलिहिम। अगर वो तौरात और इंजील पर अमल करते तो उनको ऊपर और पीछे हर तरफ से रोजी मिलती। तौरात और इंजील अल्लाह के कलाम थे, अल्लाह की किताबें थी, अल्लाह के अहकाम थे। उन्होंने उस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह ताला उनकी बात बयान कर रहे हैं। यही मामला मुसलमानों के लिए कि अगर कुरान पे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला रोजी में बरकत देंगे। नंबर दो, नेकी करने से तरह तरह की बरकतें आती हैं। फरमाया वलौ अन्नहु आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ध। अगर ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो हम आसमान और जमीन से तरह तरह की बरकतें इन पर खोल देते हैं। नंबर तीन, नेकी करने से हर तरह की तकलीफ और परेशानी दूर होती है। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ। इस पे जो बात करनी पड़ेगी, बारी तआला ने फरमाया जो अल्लाह से डरता है तो अल्लाह ताला उसके लिए हर परेशानी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। हमारे भाई कितने परेशान हैं, आप सबको अंदाजा है, हमें भी अंदाजा है। लोग मिलते हैं रोजी के लिए परेशान, सबसे ज्यादा रोजगार के लिए परेशान, और बीमारियों से परेशान है, मसाइल हल नहीं होते उनके लिए परेशान है। सवाल ये है हल करने वाला कौन है, रोजी देने वाला कौन है, बीमारियों को ठीक करने वाला कौन है? कम से कम ये बात मुसलमानों को तो मालूम होगी ना, अल्लाह ही तो है और कोई तो नहीं है। तो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारो, तकवा इख्तियार करो जिंदगी में, फिर बताना कि रास्ता नहीं निकला तो हम बात करेंगे। चैलेंज है, दावा है, पक्का दावा, इसलिए कि कुरान का दावा है। मैं जाती बात सुना देता हूं। मैंने हजरत से एक मरतबा का आजाम दिया, ये मेरा राज है, मैंने बता दिया मगर छोड़ दिया पहले। जाम्बिया में तन्हाई में मैंने कहा, उस जमाने में जरा कर्जा वर्जा बहुत होता था, तो मेरे कहा हजरत रिज्क में वसअत की दुआ कर दें, यही अल्फाज थे मेरे। मैंने कहा कि हजरत रिज्क में वसअत की दुआ फरमा दें, तो उन्होंने दुआ नहीं फरमाई बल्कि जवाब ये दिया, और फौरन दिया जवाब ये दिया कि तकवे की जिंदगी इख्तियार कीजिए, उसका अदना इनाम रोजी की बरकत है। आला इनाम तो अल्लाह की रजा है, आला इनाम तो जन्नत है, मगर जब अल्लाह ताला दुनिया में रोजी देने का वादा कर रहे हैं तकवे के बाद, तो ये तो पहला इनाम हुआ।
बस हजरत ने इतना ही जवाब दिया कि तकवे की जिंदगी गुजारी है उसका अदना इनाम रोजे की बरकत। मुश्किलात से निकलने के रास्ते हम कसम खाकर कहते हैं अल्लाह के घर में बैठकर आसानी के साथ अल्लाह ताला रास्ते निकाल देते हैं जब बंदा अल्लाह से लड़कर जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है। आगे फरमाया इसी का टुकड़ा है इसी सूरत में है, नेकी से कामों में आसानी आती है। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके कामों को आसान कर देते हैं। सब परेशान है कामों के लिए मुश्किलात की वजह से, कामों को आसान करवाइए अल्लाह से, तक्वा इख्तियार कीजिए, काम आसान हो जाएंगे। और साहब जिंदगी का मजा बहुत कम लोगों को नसीब है, सब परेशान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो नेक अमल करेगा मर्द औरत उसको हम अच्छी मजेदार जिंदगी अता करेंगे। जिंदगी का मजा चाहिए ना, हमारे जवान जरा तैयार हो जाए जिंदगी का मजा हासिल करने के लिए। मजे का रास्ता है तकवे का रास्ता। हो सकता है कुछ जवान ये सोचे कि साहब ये तो कुछ बात ना हुई, ये लोग बुढ़े हो गए इन्होंने मजे उठा लिया, अब हमें रोकना चाहते हैं दुनिया के मजे हासिल करने से और हमें तकवे का रास्ता बता रहे हैं। तो आप यकीन करें दुनिया में जीने का मजा अगर चाहिए तो यही रास्ता है। हकीकत ये है कि जिंदगी का मजा ही उन लोगों को मालूम है जो अल्लाह से डर कर जिंदगी गुजारते हैं। वरना यूं तो दुनिया में जानवर भी जिंदा रहते हैं, काफिर भी जिंदा रहते हैं, चले जाते हैं जी कर जिस तरह से भी गुजरती है, लेकिन दुनिया में जीने का जो लुत्फ होना चाहिए, हकीकत में दुनिया में जीने का लुत्फ क्या है? अपने रब की याद के साथ, रब की मोहब्बत के साथ, रब की खुशनूदी के साथ जीना मिल जाए आदमी को। कोई मजा मजा नहीं, कोई खुशी खुशी नहीं, तेरे बगैर जिंदगी मौत है जिंदगी नहीं। हकीकत में जिंदगी तो इसी तरह है। आगे फरमाया नेकियां करने से कई सारे इनाम एक साथ मिलते हैं। फकुल तस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युर्सिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इस्तिगफार करो अल्लाह से, मगफिरत मांगो, गुनाहों की माफी मांगो, अल्लाह ताला बारिश बरसाएंगे और औलाद देंगे, माल देंगे, फलों बागों में फल देंगे यानी तिजारत में बरकत देंगे और नहरों में पानी देंगे, सारे इनाम इस्तिगफार की बरकत से मिलेंगे। आगे फरमाया ईमान की बरकत से अल्लाह ताला बलाओं को टालते हैं, दुश्मनों को हटाते हैं। इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू। अल्लाहु अकबर, क्या क्या चीजें जमा की हैं। जब इंसान नेकी करता है तो माली नुकसान भी कवर हो जाता है, रिकवरी हो जाती है। या अय्युहन नबी कुल लिमन फी अय्दीकुम मिनल असरा इन यअलमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरन युतीकुम खैरन मिम्मा अख़्ज़तुम। कैदियों से कहा गया था अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में खैर देखेगा तो जो तुमसे लिया गया उससे बेहतर दे देगा, यानी जो माली नुकसान तुम्हें नजर आ रहा है उसकी तलाफी हो जाएगी। नेकियों में खर्च करने से माल बढ़ता है। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वज़हल्लाह फौलाइका हुमुल मुतअ्ज़िबून। ज़कात देने से माल बढ़ जाता है, नेकी करने से दिल के अंदर इत्मीनान आता है। अला बिज़िक्रिल्लाह ततमईनुल क़ुलूब। लोग परेशान हैं, ज़हन परेशान है, दिल परेशान है, ज़हरों में उलझने हैं और उलझनों का आलम है। मैंने एक मरतबा हज़रत से सुना के दुनिया में जो बड़े बड़े मालदारों की एक फहरिस्त बनती है ना, हर साल कैटेगरी बनती है, 500 मालदारों की फहरिस्त तो छपती भी है, उसमें से जो टॉप 10 होते हैं 10 बड़े मालदार, आप सोचें जरा 500 की फहरिस्त में भी नाम जो आएगा वो पूरे मुल्क से 10-5 लोगों का आएगा और जिसका भी आ जाए वो खरबपति आदमी होगा। और अगर टॉप 10 में आ जाए तो कितना बड़ा मालदार होगा कि उसकी दौलत का कोई अंदाजा लगाना मुश्किल। ऐसे लोग जो अपने अपने वक्त में टॉप 10 में शामिल रहे उनमें से 22 आदमियों की
आखिर की जिंदगी के हालात किसी ने जमा किए थे तो उसमें ये था कि 14 ने ऐसे 14 आदमी जो अपने जमाने में टॉप 10 में शामिल रहे मालदारी में, उनमें से 14 आदमियों ने खुदकुशी की। कितना परेशान है इंसान, माल के साथ भी परेशान है। जिसके पास माल है वो माल के साथ परेशान है, और जिसके पास माल नहीं है वो माल के बगैर परेशान है। परेशान दोनों है। हाँ, जिसके पास तकवा है वो माल के बगैर भी मजे में है और माल के साथ भी मजे में। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग देखे हैं, इसी जमीन पर मौजूद हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता, जिनके पास अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए कोई दौलत नहीं होती, लेकिन जब उनसे मिलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि इत्मीनान उनकी तरफ से तकसीम हो रहा है दूसरों को। और ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं जिनके पास खरबों की दौलत है, मगर अल्लाह ने साथ में तकवा दिया है तो वो खरबों की दौलत उनके इत्मीनान को खत्म नहीं करती, सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, उनकी तहज्जुद नहीं छूटती। ऐसे लोग भी इसी जमीन पर बात करते हैं। क्या बात है आपके, पैसा होना और ना होना ये अलग मसला है। असल मसला तो ये आदमी मजे में जिए और सोचे जब इस दुनिया के अंदर ये मजा होगा तो आखिरत में कितना ज्यादा मजा होगा। अल्लाह ताला के साथ इंसान का ऐसा रिश्ता, ऐसा ताल्लुक दुनिया में बन जाए तो फिर जाहिर बात है कि आखिरत में बहुत आसानी के साथ उसे जन्नत में जगह मिलेगी। आप सोचें कि अल्लाह के साथ अगर हमने अपना सही मजबूत रिश्ता नहीं बनाया तो जन्नत में सीधे जाने का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। दुनिया में अपने आप को पाक नहीं किया तो पाकी की जगह में कैसे पहुंचाया जाएगा हमें? कौन तैयार है इस बात के लिए कि वहां पाक होने का काम करे? हम में से कोई भी इसकी हिम्मत नहीं रखता। लिहाजा हमारे पास एक ही रास्ता है कि इस दुनिया के अंदर पाक होने की कोशिश करें। दो काम करने हैं। पहला काम यह है कि कोशिश करनी है आखिरी हद तक गुनाहों से बचने की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने आयत पढ़ी खुले और छुपे सारे गुनाहों को छोड़ दो। और हदीस पढ़ी थी मैंने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्तकिल्लाह हैसू मा कुंता, तुम जहां भी हो अल्लाह से डरो। ये आसानी पैदा करने वाला नुस्खा है, गुनाहों से बचने को आसान करने वाला नुस्खा है। एक आदमी कभी नमाज पढ़ने को नहीं चाहता, घर वाले देख रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं, उठो नमाज पढ़ो, उठो नमाज पढ़ो, तो इस वजह से मजबूरन पढ़ रहा है। एक आदमी अकेला है, सफर में है, होटल में ध्यान है, अगर नमाज ना पढ़े तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। वहां वो नमाज पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है? इसलिए अल्लाह का डर, वो अल्लाह से डरता है। हमने देखा है मोहम्मद अली जौहर जैसा आला तालीम याफ्ता है दुनिया के एतबार से, मौलाना कहा जाता है, बाकायदा मौलाना नहीं है वो, लेकिन अलीगढ़ के पढ़े हुए और अपने जमाने में क्रिकेट के नंबर एक के खिलाड़ी और इंग्लिश का आलम के, उनकी तहरीर को अंग्रेज शौक से पढ़ा करते थे, ऐसा आदमी और बड़ा खाई, अल्लाहु अकबर, वो मर्द मोमिन। लंदन की पार्लियामेंट में कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग चल रही है और नमाज का वक्त आ गया तो उठ के खड़े हो गए, वुजू करा, देखा कोई नमाज पढ़ने के लिए कोई चीज नहीं मिली तो अपनी शेरवानी को उतारा, जमीन पे बिछाया और उसी में नमाज पढ़ी। इसको कहते हैं अल्लाह का डर। हर जगह जहां भी हो अल्लाह से डर। शेख इस्लाम हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाकया है और मैंने उन साहब से सुना जो उसमें शरीक थे। रेल से सफर था उस इलाके में, मुरादाबाद सहारनपुर की जो लाइन है, बिजनौर का इलाका था, नजीबाबाद का गालिबन स्टेशन था। रेल रुकी, हजरत स्टेशन पर उतर गए और जमात से नमाज शुरू कर दी, और इधर नमाज शुरू हुई और उधर रेल ने सीटी बजा दी चलने के लिए, तो कुछ लोगों ने नियत तोड़ी और जाकर को रेल में बैठ गए। जायज है इस तरह करना, अगर ट्रेन छूटने का खतरा हो तो नमाज की नियत तोड़ कर आप बैठ सकते हैं, रेल में जाके पढ़ने। लेकिन हजरत और उनके जो खास साथ में लोग थे वो खड़े रहे, नमाज पढ़ते रहे, पूरे इत्मीनान से नमाज पढ़ी और ट्रेन सीटी देती रही और रुकी रही।
जब ट्रेन में आकर बैठ गए तो हजरत ने फरमाया भाई ट्रेन क्यों नहीं चल रही, चल पड़ी। वो साहब बताते थे कि मैं खुद उन लोगों में शामिल था, हजरत के साथ नमाज पढ़ने वालों में हमने इसी तरह देखा। तो अल्लाह से करो जहां भी हो, सिर्फ घर में या मस्जिद में ही अल्लाह से नहीं करना है, बाजार में भी अल्लाह से करना है, जंगल में भी अल्लाह से करना है, होटल में भी अल्लाह से करना है, हिंदुस्तान में भी करना है और अमेरिका में भी करना है, जहां कहीं हो सब जगह अल्लाह से करना है। और हुजूर ने एक बात ये फरमाई, गलती हो जाए तो नेकी कर लो, इसके दो मतलब है, तौबा कर लो या कोई नेक काम कर लो। अगर गलती छोटी है तो कोई नेकी कर लो, उसी से काम बराबर हो जाएगा, और बड़ी गलती है, बड़ा गुनाह है तो तौबा कर लो। सोचिए जरा हम सब कैसी जिंदगी अब तक गुजार रहे हैं। बस मैं तो यही कहता हूँ अपनी नसीहत के लिए, असल मैं इसलिए नहीं आया कि कभी आपकी सलाह के लिए बैठा हूँ, सच्ची बात है अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि बस इसी तलाश में, ये नियत पहले ही से मुस्तकिल कर रखी है, कभी वक्त पे याद ना रहे, मुस्तकिल ये नियत है कि जाएं दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला जाने का मौका देते हैं और जहाँ भी अल्लाह ने मुकद्दर किया है जाना, वहाँ जाएं और वहाँ के लोगों के साथ जाकर अपने गुनाहों से तौबा करने की कोशिश करें, कहीं की तौबा तो कबूल होगी। बस यही काम करना है कि गुनाहों से बचने की आखिरी हद तक कोशिश करनी है। आखिरी हद तक कोशिश करने का क्या मतलब है, नफ्स का तकाजा है। गुनाह का मतलब एक ही गुनाह नहीं होता, ये भी ध्यान में रखिए, खाली शहवानी गुनाहों की बात नहीं, हर गुनाह नफ्स का तकाजा शहवानी गुनाह का है उस पर काबू करना है, नफ्स का तकाजा हराम कमाने का है उसमें भी काबू करना है, नफ्स का तकाजा दिखावा करने का है उसको भी रोकना है, नफ्स का तकाजा तकब्बुर करने का है उससे भी बचना है, हर गुनाह इसको अपने अंदर से निकालना है, कोशिश करके अल्लाह के डर को सामने रखकर। लेकिन इस तरह कोशिश की जाती है, उसकी बाद मिसालें हमने अपने हजरत से और बड़ों से सुनी है, तो उनमें से एक बात सुना देते हैं कि सुलेमान इब्ने यसार एक ताबड़ी सफर कर रहे थे, दो आदमी थे शायद, एक जगह क्याम किया, मस्ती के बाहर खेमा लगाया, साथी जो है सामान लेने के लिए गांव में चले गए, हजरत अकेले बैठे, वापस आए तो देखा कि रो रहे, बहुत रो रहे, पूछा क्या हुआ, कहने लगे तुम्हारे जाने के बाद एक औरत आई और उसने कुछ इशारा किया, मैंने पूछा क्या, मैंने ये समझा कि शायद इसको रोटी चाहिए, तो मैंने जो खाना रखा हुआ था वो उसकी तरफ बढ़ाया, तो उसने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने कहा फिर क्या चाहिए, तो उसने सफाई से कहा कि जो औरत मर्द से चाहती है वो चाहिए। तो मुझे रोना आया ये सोचकर कि शैतान अब भी मुझसे गुनाहों की उम्मीद रखता है, इस पर मैंने रोना शुरू कर दिया और उसी पर रो रहा हूं, वो शर्मिंदा होकर भाग गई। ये तो हो गया, रात को ख्वाब में देखा सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी उसी आजमाइश से गुजर चुके हैं, सबको मालूम है बड़ी आजमाइश थी, वो कौसी औरत थी जिसके घर में पले बढ़े थे, वो चाहती थी गुनाह और अल्लाह ने बचाया था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो जब देखा इन्होंने तो पढ़ के मिले और खुश होकर कहने लगे कि आपका जलीखा के साथ जो मामला पेश आया था वो बहुत अजीब है कि आपको अल्लाह ने बचाया, आप बच गए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो फला जगह वाली जो औरत है, अब हुआ मकाम खाओ, अब हुआ वाली औरत का वाकया उससे भी ज्यादा अजीब है, यानी गोया तुम तो एक आम आदमी थे, आम मुसलमान थे, तुम भी बच गए अल्लाह की तौफीक से, ये और ज्यादा ताज्जुब की बात है, ये अल्लाह की के नवाजने की बात होती है। मगर कहना ये है कि ये वाकया तो ताबईन के दौर का है, आज के दौर तक अल्हम्दुलिल्लाह वो किरदार मौजूद है, इस मजमे में भी होंगे यकीनन और इसके अलावा भी, कि जिनके सामने गुनाहों के तकाजे आते हैं और वो उनसे बच जाते हैं। एक मरतबा हमारी मजलिस में एक जवान आया और उसने बताया, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उसने बताया कि मैं जब चला हूँ मजलिस में आने के लिए तो इस हाल में चला हूँ कि मेरे व्हाट्सएप पर एक लड़की के मैसेज आ रहे थे कि तुम कहाँ जा रहे हो, आज रात को साथ रहेंगे।
और तरतीब देने के लिए वो गंदे फोटो भी भेज रही थी व्हाट्सएप पर, उससे पीछा छुड़ाकर मैं मजलिस में आया। तो इंसान जब ये तय कर ले कि मुझे अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, तो अल्लाह ताला खुद फिर मदद फरमाते हैं। दो ही चीजें हैं, शैतान है और नफ्स है, दोनों का मुकाबला करना पड़ता है। इनके मुकाबले के लिए आदमी अगर पक्का हो जाए, अपने आप को पक्का कर ले, तो फिर अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। तो पहला काम तो ये है कि हमें गुनाहों से अपने आप को बचा कर चलना है, और दूसरा काम ये है कि फिर भी हम इंसान हैं। सच्ची बात है, जितनी भी तौबा कर लेते हैं कभी ना कभी गड़बड़ हो ही जाती है। तो आदमी तौबा का दरवाज़ा ये समझ कर चले तो बहुत बड़ा दरवाज़ा अल्लाह ताला ने खोल रखा है। मगर मुसलमान को ये चाहिए कि तौबा करने में देर ना करे। हम मुसलमानों का इस मामले में बहुत खराब हाल है। हमारे हजरत ये फरमाया करते हैं कि हम सुबह से शाम तक अल्लाह ताला के साथ अपना मामला बिगाड़ते रहते हैं, गुनाह कर करके, और उसको सुधारने की फिक्र नहीं करते। गुनाह हजारों करते हैं और तौबा एक मरतबा करने को तैयार नहीं होते। तौबा करने में जो रुकावट जहनों में आती है, मैंने इशारा भी किया था शुरू में, बहुत से लोग ये समझते हैं कि हमारी तौबा कहाँ कबूल हो सकती है, हम क्या करेंगे तौबा करके, अब कहाँ अल्लाह ताला हमें माफ़ करेंगे, ये बहुत से लोगों के जहन में आता है। तो बिल्कुल गलत बात है। मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह का डर काम करने के वक्त में चाहिए, तौबा के वक्त में उम्मीद चाहिए, तौबा के वक्त में यकीन चाहिए। गुनाह करने से पहले सोचो अल्लाह पकड़ करने वाला है, अल्लाह रुस्वा करने वाला है, अल्लाह अजाब देने वाला है, अल्लाह ताला कहार है, जब्बार है, मुंतकिम है, अल्लाह ताला ज़ुल अज़ाबिल अलीम है, वो सोचो। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फिर भी नहीं बच पाए तो फिर यकीन करो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत मेहरबान है। अल्लाह को अपने बंदों को जहन्नम में भेजने का शौक नहीं है। अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं चाहते कि बंदों से जहन्नम को भरें। अल्लाह ताला बंदों को माफ़ करना पसंद करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बता रखा है कि तुम अगर एक दिन में तौबा करो फिर तोड़ लो, फिर तौबा कर लो दिल से फिर टूट जाए, फिर तौबा करो फिर टूट जाए, और इस तरह 70 बार भी हो जाए और फिर तौबा करना चाहो तो फिर भी माफ करने के लिए तैयार हो। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये भी बता रखा है कि बंदे अगर जमीन भर गुनाह लेके आएगा तो जमीन भर मगफिरत लेके आ जाएगा। और एक हदीस तो ऐसी है, हमने हदीस की किताबों में जरूर पहले पढ़ी होगी मगर कहाँ याद रहता है, फिर हजरत से उसको सुना और वो याद आई और फिर किताबों में उसको पढ़ा, तो ऐसा लगता है कि शायद हमजेश होगा काम तो उसी से चलेगा, उसी से चल जाए तो भी काम बन जाएगा। हदीस में ये बात है, एक बंदा आएगा कयामत के दिन, सबके आमाल नामे सुनाए जाएंगे, उसी बंदे को सुनाए जाएंगे, तो इसके गुनाह बताए जाएंगे, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, और वो खड़ा हुआ सुनता रहेगा और इकरार करता रहेगा। सारे गुनाह सुना दिए जाएंगे तो बंदा कहेगा अल्लाह से, या अल्लाह आपके फरिश्तों ने जो कुछ पढ़ा बिल्कुल सच है, मैंने ये सारे गुनाह किए हैं, कयामत में सब किया हुआ याद किया जाएगा। अल्लाह का बंदा कहेगा अल्लाह ये सब गुनाह मेरे हैं, मैं इकरार करता हूँ, मगर अल्लाह एक काम और भी था जो मैं कर लिया करता था, और वो ये है कि मैं गुनाह तो करता था मगर मैं तौबा भी करता था, मेरी तौबा का जिक्र नहीं आया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखो इस बंदे के आमाल नामे में तौबा का जिक्र है क्या, और फरिश्ते बताएंगे कि हाँ मौजूद है, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ठीक है इसे भी जन्नत मिलेगा, इसे भी माफ कर दो, ये ठीक है कि गुनाह इससे नहीं छूटे मगर इसने तौबा करना भी नहीं छोड़ा, तो कम से कम इतना ही हो जाता है कि अगर गुनाह हो जाते हैं तो ठीक है, हो गए किसी मजबूरी में, हो गए किसी तकाजे में, बचने की कोशिश करते करते हो गए, लेकिन उसके बाद तौबा करने में आदमी देर ना करे, इसलिए कि पता नहीं अल्लाह के पास जाने का वक्त कब आ जाए, तो जल्दी से जल्दी अव्वल वक्त में आदमी तौबा कर ले। तो बस खुलासा यही है कि हम सब तौबा कर लें, अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, और अल्लाह से अहद कर लें कि अल्लाह अब तक हमने जैसी गुजारी है आपके सामने है और हमारे सामने है। और अजीब बात है, इस पर भी नज़र करें कि अल्लाह ताला ने
हमारे गुनाहों को, हमारे कच्चे चिट्ठे को, हमारे अमाल नामे को अपने और हमारे दरमियान राज बना के रख रखना है। अल्लाह का पर्दा डाल रखना है। अगर अल्लाह का पर्दा ना होता तो हम जैसे में मुंह में तो लोग टूटना भी पसंद न करते, बात करना भी पसंद न करते, हम किसी को खुद दिखाने के काबिल ना होते। अब अगर सौहार बनकर सौहार किए भी करें तब भी इसका पता नहीं हो सकता जो हमारे रब की सत्तारी का हमारे साथ मामला है। तो इस सत्तारी को ध्यान में रखते हुए हम अपने रब से ये बात करें, अल्लाह गुनाह आपके सामने है और आप गुनाहों से थक गए। सच्ची बात यही है, हम लोग गुनाह कर कर के थक गए हैं, हमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी कर ली है, और करने की गुंजाइश बाकी नहीं है। अल्लाह गुनाहों ने परेशान कर दिया है और गुनाहों ने थका दिया है। अल्लाह जी चाहता है बाद जिंदगी गुजारें, इस नियत इस चीज़ को सामने रखकर अल्लाह से तौबा करें। उम्मीद है अल्लाह ताला करम फरमाएंगे, अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा और तक़वे की ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे। यहाँ कुछ लोग हो सकता है नए करने के ख्वाहिशमंद भी हो, मैं गालिबन तो मैं तौबा के कलिमात पढ़ूंगा, तौबा की नियत से सारा मजमा पढ़ लें, अलबत्ता उसी में बैत की नियत वो हजरात कर लें जिनका इरादा बैत होने का है। जो किसी से पहले से बैत है वो नियत ना करें, वो अपने मशाइख से इस्तेफादे का सिलसिला जारी रखें और उनसे अपना ताल्लुक मजबूत करें और ये समझ लें कि बैत कोई रस्म नहीं है, बैत होना कोई बरकत के लिए नहीं होता बल्कि अपनी ज़िंदगी सही करने के लिए होता है, अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए होता है। इसी मकसद से अपने मशाइख से ताल्लुक़ रखें, जो आज़ाद किसी और से बैत नहीं है और यहाँ वो इस गुनाहगार के साथ में तौबा करने का इरादा करते हैं, बस वो बैत की नियत करें और तौबा की नियत से सारे हज़रात की कलिमात पढ़ लें। एक बात यह है कि इंशाल्लाह मेरा क्याम अब यहाँ रहेगा, कल तक यही रहेंगे ना, मैं हाँ तो मस्जिद में रहना होगा। रात में हो सकता है कुछ देर के आराम के लिए मैं घर पे चला जाऊँ, बाकी मस्जिद ही में रहूँगा ज़्यादातर, और यही हमारा सिलसिला है, मेरी मजलिस का तरीका है कि हम मस्जिद में रहते हैं। तो अब दुआ के बाद इशा की नमाज होगी और उसके बाद हमारे यहाँ जो तरतीब होती है वो ये होती है कि इशा के बाद खाना होता है और उसके बाद फिर बैठते हैं, तो इशा की नमाज के बाद खाना हो जाएगा और खाने के बाद फिर हम इंशाल्लाह दोबारा बैठेंगे खाने से पहले होकर। अभी तो सवार हो गए हैं खाने से पहले, अभी तो नमाज होगी आधा घंटा दोस्ती में लगेगा और उसके बाद खाने में घंटा लग जाएगा लगभग। तो मेरा अंदाज़ा है कि 10 बजे के करीब हम दोबारा बैठ पाएंगे, 9:45 तक कोशिश करेंगे बैठ जाएँ। तो जो हजरात 10 बजे इंशाल्लाह फिर हम बैठेंगे, जो बाहर के आए हुए हजरात हैं उनको तो रहना ही है, लेकिन जो मकामी हजरात में से आ सकते हों या मस्जिद में रह सकते हों वो रहें, तो इंशाल्लाह बात होती रहेगी और मुलाकात होती रहेगी और उसके बाद फिर रात में आराम होगा, लेकिन सुबह को तहज्जुद के वक्त में फिर बैठेंगे इंशाल्लाह, खत में काजलान पढ़ेंगे सुबह साजिद के वक्त में और दुआ करेंगे और उसके बाद फजर के बाद फिर मुख्तसर सा इख्तियार होगा इशराक तक, उस पर ये मजलिस पूरी होगी। तो इस तरतीब से शिरकत करने की कोशिश करें सभी लोग, तो तौबा की कलिमात पढ़ लें, तौबा की नियत सब कर लें और बैत की नियत वो हजरात करें जिनका बैत का इरादा हो, और जो बैत की नियत करें वो बाद में एक मुलाकात अलग से भी कर लें, यानी 10 बजे जब हम बैठेंगे तो उस वक्त में वो आकर बता कर कि हमने बैत की नियत की है, कल की निशानदेही करा लें। بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله
आसानी हो जाती है। एक तो दो तीन चीजें पढ़ने की है, इस्तेफार सुबह शाम सौ सौ मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम बिल्कुल निज़म में वातु हो गई, एक तस्बीह सुबह एक तस्बीह शाम पढ़ने, दुरूद शरीफ जो भी आसान लगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, या कोई और वो सुबह शाम सौ सौ मरतबा। और कुरान करीम की तिलावत रोज़ाना कुरान करीम ज़रूर पढ़ें। अगर खुदा नास्ता कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने कुरान पढ़ नहीं रखा है तो अब पढ़ लें, कुरान पढ़ना ज़रूर सीखें। कुरान पढ़े बगैर अल्लाह के यहाँ ना जाएं, कोशिश करें कि अल्लाह को वो दिखाएं तो कुरान पढ़े हुए। ये तीन चीज़ें हो गई पढ़ने की, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, कुरान शरीफ। चौथा काम यह है कि हर वक्त अल्लाह को याद रखने की आदत डालें, यानी मतलब ये है कि अपने सारे काम करते रहें, दीन दुनिया के जो भी आपके जिम्मे हैं, पढ़ने का, पढ़ाने का, दुकान का, मकान का, बाजार का, खेत का, जिसका जो काम है अपने सारे काम करते रहें, मगर हर वक्त में जहन में ये रखें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इस तरह से अल्लाह को याद रखने की डाले आदत, कोशिश कर करके, बार बार भूलेंगे बार बार याद आएगी, लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो ये नेमत इंशाल्लाह हासिल हो जाएगी। और पांचवा काम ये है कि थोड़ी देर बैठकर मुराक्बा कर लिया करें। मुराक्बा इस ज़माने में मुतारफ चीज़ बन गई है, मेडिटेशन के नाम से लोग जानते हैं, और मुराक्बा तो गैर मुस्लिम लोग भी अपने मजहब के एतबार से करवाते और करते हैं, मुसलमानों को तो खासतौर से अल्लाह के नाम के मुराक्बे की ताकत हासिल करनी चाहिए, इसलिए कि अब इस तरह इस रास्ते से भी फितने आ रहे हैं। मेरे इल्म में ऐसे वाकयात हैं, मेरा मकसद ये नहीं है कि अगर मुराक्बा किसी सिलसिले में नहीं कराया जा रहा तो वो गलत है, वो तो जो अकाबे को मुकर्रर किया है, लेकिन मेरे इल्म में ये वाकयात हैं कि योगा के ज़रिए से भी ईमान जा रहा है। ऐसे वाकयात मुतय्यन तौर पर हैं तो उसमें मेडिटेशन कराया जाता है और कई लोग बाकायदा ईमान से महरूम हो चुके हैं हमारे इलाके की मुझे रिपोर्ट है। तो इस वजह से दिल के अंदर अल्लाह के नाम की ताकत पैदा करने की कोशिश करें। जो हजरात दीगर मशाइख से मुतालिम हैं और वो जिक्र जहरी करते हैं तो उसकी मेहनत करें, उसी से दिल में ताकत पैदा होगी। और हमारे सिलसिले में मुराक्बा होता है तो इसकी मेहनत करें। मुराक्बे का तरीका ये है कि बावजूद कबला लोग बैठें, आँख बंद कर लें तो आसानी होगी, दिल की तरफ ध्यान करें और यूँ सोचें कि अल्लाह की रहमत मेरे दिल पर उतर रही है, मेरे दिल से गुनाहों की स्याही धुल रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। खामोश होकर दिल से अल्लाह अल्लाह कहें, जबान से नहीं, खामोश बैठें, दिल की तरफ तवज्जो रखें और दिल से अल्लाह अल्लाह कहें। और ये काम दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, घर में, मस्जिद में, ऑफिस में, जहाँ कहीं आपको आसान लगे वहाँ करें, और एक बार करें, दो बार करें, दस बार करें, ये भी आपको इख्तियार है। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतनी ज़्यादा आसानी आएगी, ज़िंदगी पर असरात नज़र आएंगे, अमल आसान होगा, नेकियाँ आसान होगी, गुनाह छोड़ना आसान होगा,
अखलाक अच्छे होंगे, अल्लाह के बंदों को महसूस होगा कि ये आदमी बदल रहा है, अगर ईमानदारी से आप बुरा करेंगे, यकीन है इंशाल्लाह। ये पांच मामूलात हैं, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, तिलावत कुरान, हर वक्त अल्लाह का ध्यान और थोड़ी देर का बुरा होता है। हम दुआ करें और उसके बाद नमाज الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما تحب وترضى عبدك ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها مريضها ومولاها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا الله يا رحمن الرحيم أما آپ کے کچھ بندے یہاں مسجد میں جمع ہیں اللہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد توبہ کرنا تھا ہمارے جمع ہونے کا مقصد آپ کو راضی کرنا تھا اللہ اس پورے مجمعے کو جو نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں ان سب کو یہ ضرور پتا تھا کہ مسجد میں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی اے اللہ آپ کے بندے پھر آئے ہیں اے اللہ ہم اپنے کو گناہ گار سمجھتے ہوئے آئے ہیں اللہ ہمیں گناہوں نے پریشان کر دیا ہے اللہ گناہوں نے ہمیں تھکا دیا ہے اللہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں سچی توبہ نصیب ہو جائے اللہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں اللہ مگر ہم بہت کمزور ہیں نفس و شیطان کے سامنے مغلوب ہو جاتے ہیں اللہ آپ سب سے بڑی طاقت ہیں اللہ آپ نے فضل سے ہمارے دلوں کو وہ طاقت دے دیجیے کہ ہم نفس و شیطان کا مقابلہ کر سکیں اللہ یہی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے اللہ یہ بندہ گناہ گار جو بول رہا ہے ان سب کی طرف سے اس کو سب سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے اور ہم سبھی کو ضرورت ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمارے دلوں کو گناہوں کے ظلمت سے اور گندگی سے پاک کر دیجیے اور دلوں کو ہمارے اپنی یاد کے نور سے بھر دیجیے اللہ ہمیں سچی تقوی والی زندگی عطا فرما دیجیے اللہ آج سے ہماری زندگیاں بدل دیجیے اللہ توبہ کی ہے ہم نے اور آپ نے وعدہ کرنے کا ہے توبہ قبول کرنے کا بے شک جیسی توبہ ہونی چاہیے شاید ہم نے نہ کی ہو مگر اللہ
आप हर चीज को अच्छा बना सकते हैं। हमारी आज की तौबा को मकबूल तौबा बना दीजिए, सच्ची तौबा बना दीजिए, मन की तौबा बना दीजिए और आज के बाद की हमारी जिंदगी को बदल डालिए। अल्लाह हमें अपने अच्छे बंदों में शामिल कर लीजिए, हमें तकवा अता फरमा दीजिए, अल्लाह इखलास अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी जिस्मानी और रूहानी बीमारियां दूर कर दीजिए। अल्लाह हमें और हमारे रिश्तेदारों में, हमारे घर वालों में, मुतालिकीन में जो लोग बीमार हैं, अल्लाह सबको सेहत अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिनकी इंतकाल हो गए उनकी मगफिरत फरमा दीजिए। अल्लाह को मकरूज है उनके कर्जे अदा करा दीजिए। जो बेघर हैं उन्हें आराम से घर अता फरमा दीजिए। जो बेरोजगार हैं उन्हें बाबरकत हलाल रोजगार दे दीजिए। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें अच्छी औलाद दे दीजिए। जिनकी औलाद के सिलसिले में कोई मसला है अल्लाह वो हल कर दीजिए। अल्लाह औलादों की तरफ से हम सबको खुशियाँ और सुकून अता फरमा दीजिए और औलादों के सिलसिले में हमारी अच्छी तमन्नाएं पूरी फरमा दीजिए और हमारी औलादों को हमसे अच्छी जिंदगी अता फरमा दीजिए और उनको हमसे भी अच्छी औलाद अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारे लिए सबके लिए कामों को आसान कर दीजिए। हम में से हर एक के सामने कुछ ना कुछ मामला ऐसे हैं जो मुश्किल बने हुए हैं। ए अल्लाह आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है और आसान भी वही है जिसे आप आसान कर दें। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलता सहला वा अंत तजअलु हजना सहलन इज़ा शिता दारु तक्वा वाल मग़फिरा। आसान वही है जिसे आप आसान कर दें और आप मुश्किल को भी आसान बना देते हैं। अल्लाह हम सब के मुश्किल कामों को आसान बना दीजिए। अल्लाह मुश्किलात से बचा लीजिए। अल्लाह अचानक आने वाली खैर जरूर अता फरमाइए। अचानक आने वाले शर से अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमाइए। अल्लाह ये मजमा आपके बंदों मजमा आपके बंदों का है और अल्लाह सबने हाथ उठा रखे हैं, सबने ईद मांगने के लिए हाथ उठा रखे हैं। अल्लाह हम एक बात यकीन के साथ कह सकते हैं, आपके भरोसे पर डरते डरते कहते हैं कि ये मजमा आपके अलावा किसी और के सामने हम इस तरह हाथ नहीं फैला सकता। अल्लाह इसकी लाज अल्लाह हम आपके घर के भिखारी हैं। दुनिया के भी कुछ भिखारी होते हैं, उनके सामने मांगने के लिए बहुत दरवाजे होते हैं। एक दर से ना मिले दूसरे से नहीं तीसरे से मिल ही जाएगा। अल्लाह हम अलग किस्म के भिखारी हैं, हमारे पास मांगने के लिए आपके घर के अलावा कोई तक नहीं है। अल्लाह यहाँ से ना मिलेगा तो कहाँ किससे मांगे, कहाँ जाए, किससे कहे, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अल्लाह आप ही से मांग सकते हैं और आप ही से मांग रहे हैं। अल्लाह अता फरमा दीजिए, अल्लाह दे दीजिए, अल्लाह करम फरमा दीजिए, रहमत फरमा दीजिए, सच्चा तकवा दे दीजिए, सच्ची तौबा दे दीजिए, सारे कामों की आसानी दे दीजिए, मसाइल का हल दे दीजिए, दिलों का सुकून दे दीजिए। अल्लाह आपसे अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए हर खैर का सवाल करते हैं, अता फरमा दीजिए। हर शर से पनाह चाहते हैं, अपनी पनाह में ले लीजिए, अल्लाह अपनी हिफाजत में ले लीजिए। अल्लाह आपकी जात बेनियाज है, आपको किसी की इबादत की जरूरत नहीं, आपको किसी मस्जिद और मदरसे और तबलीग और खानकाह की जरूरत नहीं। अल्लाह आप बेनियाज है, मगर अल्लाह हम बंदे मोहताज हैं। अल्लाह बचा लीजिए इन सारे रास्तों को, अल्लाह हिफाजत फरमाइए हरमैन शरीफैन की और तमाम मस्जिदों की, अल्लाह हिफाजत फरमाइए तमाम मदरसों की, अल्लाह हिफाजत फरमाइए दावत तबलीग के काम की, अल्लाह हिफाजत फरमाइए खानकाहों की, अल्लाह हिफाजत फरमाइए बेटी तंजीमों की, अल्लाह हिफाजत फरमाइए दीन के हर काम की, अल्लाह हिफाजत फरमाइए तमाम अहले ईमान की जान की, माल की, इज्जत और आबरू की, घर बार की, आला औलाद कारोबार की और अल्लाह सबसे बढ़कर ईमान की हिफाजत फरमाइए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका खैर अल-मसअलति व खैर अद-दुआ व खैर अन-नजाह व खैर अल-अमल وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.